हेलो एवरीवन, आज हम लोग हर वर्किंग पर्सन के लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं। टॉपिक का नेम है मनी फ्रॉम सेकेंडरी सोर्स। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग यह जानते हैं कि मनी फ्रॉम सेकेंडरी सोर्स क्या है, ठीक है। तो देखिए, हर वर्किंग पर्सन अपने लाइफ के लिए कोई ना कोई बिजनेस या प्रोफेशन करता है, ठीक है। ये जो उसका मेन बिजनेस या प्रोफेशन है, उसके अलावा इनकम जनरेट करने का अगर उसके पास कोई मीडियम है जिससे वह अर्निंग कर सकता है, तो उसी को हम लोग कहेंगे मनी फ्रॉम सेकेंडरी सोर्स। तो ठीक है, हम लोग यह समझे कि मनी फ्रॉम सेकेंडरी सोर्स क्या है। अब देखिए, अब हम लोग यह जानते हैं कि इसकी आवश्यकता क्या है, इसकी ज़रूरत क्या है। देखिए, आप पास में देखेंगे तो बहुत से ऐसी कंपनियां मिल जाएंगी जो एक समय बहुत टॉप पे थी, बहुत अच्छा परफॉर्मेंस था, लेकिन आप देख रहे हैं कि समय के साथ साथ वह जो है आज विलुप्त हो गई। क्यों? क्योंकि वह एक बड़ी क्राइसिस में फंस गई। तो ठीक वैसे ही अगर आज हम लोगों का प्रोफेशन या बिजनेस अच्छा परफॉर्म कर रहा है, तो भी हम इस बात की गारंटी नहीं ले सकते हैं कि आने वाला समय उनके लिए उतना ही अच्छा होगा, या हो सकता है कि आने वाला समय ज़्यादा चैलेंजिंग हो और यह जो बिजनेस है या प्रोफेशन है वह क्राइसिस में फंस जाए। तो क्या हम लोग इस स्थिति के लिए खुद को तैयार रखे हैं? क्या हमारे पास कोई प्लान बी है जो इस स्थिति को हमको उबार सके? तो बिल्कुल, इसी आवश्यकता को पूरा करने के लिए मनी फ्रॉम सेकेंडरी सोर्स की ज़रूरत है। अब देखिए, हम आपको अपना एक एग्जाम्पल देते हैं। 4 साल पहले की बात है, हम एक टीचर हैं और साथ में एक कोचिंग इंस्टीट्यूट चलाते हैं। उस समय हमारी कोचिंग जो है ग्रोथ रेट भी अच्छा था, अच्छा परफॉर्म कर रही थी, अच्छी इनकम भी हो रही थी, लेकिन हमें यह रियलाइज़ हुआ कि जो आज हमारा ग्रोथ रेट है या जो हमारी इनकम आज जनरेट हो रही है जिस तरीके से, क्या वह फ्यूचर में भी ऐसे होगी? फिर हमने सोचा कि अगर बाय द वे ऐसा होता है कि यह हमारा प्रोफेशन क्राइसिस में आता है, तो क्या इससे उबरने के लिए हमारे पास कोई प्लान बी है? अब हमने सोचा, अब हमें यहाँ आवश्यकता लगी मनी फ्रॉम सेकेंडरी सोर्स की। तो हमने अपने स्किल बेसिस पे 4-5 ऐसे बिजनेसेस के बारे में सर्च करा कि जो हमारे प्राइमरी सोर्स ऑफ इनकम को, मतलब पहले प्रोफेशन को, ज़्यादा इफ़ेक्ट भी ना करे और साथ में हम उसको कर भी पाएँ। तो फिर अपने स्किल के बेसिस पर हमें लगा कि हमको शेयर मार्केट में एंट्री करनी चाहिए। हमने प्रॉपरली 2 साल रिसर्च करा और पिछले 2 साल से मैं शेयर मार्केट में हूँ और अपने फर्स्ट बिजनेस को या प्रोफेशन को इफ़ेक्ट किए उसमें मैं परफॉर्म कर रहा था। अभी आपको जानकारी होगी ही कि मार्च में लॉकडाउन हो गया, लगभग सभी के बिजनेसेस क्लोज्ड हो गए, हमारा इंस्टीट्यूट भी बंद हो गया, इकोनॉमिकल कंडीशन एकदम जो है बॉटम पे आ गई। लेकिन उसी समय हमारा सेकेंडरी सोर्स ऑफ इनकम, मतलब शेयर मार्केट, परफॉर्म कर गया। अब हमने चूँकि समय ज़्यादा देना की शुरू किया, तो वहाँ से एक अर्निंग होने लगी जो मुझे बहुत बड़ी क्राइसिस में, इकोनॉमिकल क्राइसिस में फंसने से बचा लिया। तो देखिए, मैं आपको यह नहीं कह रहा हूँ कि आप शेयर मार्केट में आइए, किसी को मैं यह सजेस्ट भी नहीं कर रहा हूँ कि उसको कौन सा प्रोफेशन चुनना चाहिए। मैं सिर्फ इतना कहना चाह रहा हूँ कि जब आपका बिजनेस प्राइमरी सोर्स ऑफ इनकम अच्छी तरीके से परफॉर्म कर रहा है, तब आप एक विकल्प के तौर पर मनी फ्रॉम सेकेंडरी सोर्स के बारे में सोचिए। क्यों? देखिए, इस समय अगर आपका पहला बिजनेस अच्छा परफॉर्म कर रहा है, तो आप थोड़ी सी रिस्क लेने की स्थिति में भी हैं। जो सेकेंडरी सोर्स ऑफ इनकम होगा, उससे तुरंत अर्निंग की आपको आवश्यकता भी नहीं है, आप पैरेलल दोनों चीज़ों में लगे रहिए। हाँ, लेकिन यह सेकेंडरी सोर्स ऑफ इनकम जो चूज करें, आप कोशिश करिए कि वह प्राइमरी सोर्स ऑफ इनकम को ज़्यादा अफेक्ट ना करे। और हो सकता है कि एक समय ऐसा भी आएगा कि जो आप मनी फ्रॉम सेकेंडरी सोर्स है, वह मनी फ्रॉम प्राइमरी सोर्स को बीट कर दे। देखिए, आप अगर ये सोच रहे हैं कि यह काम डिफ़िकल्ट है, तो बिल्कुल ऐसा नहीं है। अगर आप ठान लेंगे तो यह आप जान लेंगे कि आप ऐसा कर सकते हैं। रिजल्ट के बारे में बहुत ज़्यादा सोच लेंगे तो फिर स्थितियाँ जो हैं आपके नियंत्रण से बाहर ही रहेंगी। देखिए, इतिहास सिर्फ जीतने वालों का नहीं लिखा जाता है,
जो हिम्मत से लड़ते हैं उनका भी लिखा जाता है। तो अगर आप अपने आप को तैयार करिए और मेंटली प्रिपेयर होइए तो आप ज़रूर मनी फ्रॉम सेकेंडरी सोर्स के बारे में सोच सकते हैं और इनकम का एक ऐसा जरिया क्रिएट कर सकते हैं जो आपको फ्यूचर में एक इकोनॉमिकल सपोर्ट प्रोवाइड करेगा। देखिए, लॉकडाउन से बहुत लोगों की बिजनेसेस या तो बर्बाद हो गए हैं या जो है कि बहुत बड़े रिसेशन में फंस चुके हैं। तो आप परिस्थितियों से सीखिए, लॉकडाउन को आप एक चैलेंज के तौर पर लीजिए और मनी फ्रॉम सेकेंडरी सोर्स के बारे में सोचिए। अगर आप आज से ये कोशिश शुरू कर देते हैं, निसंदेह आने वाले अगले 2-4 साल तक आप मनी फ्रॉम सेकेंडरी सोर्स जरूर जनरेट कर पाएंगे। और ये सब बातों को हमारा बताने का सिर्फ यही मतलब था कि हम अपने एक्सपीरियंस आपको शेयर कर सकें और ये आप प्रिपेयर कर सकें कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग अपनी मेन प्रोफेशन के साथ मनी फ्रॉम सेकेंडरी सोर्स के बारे में सोच पाएँ। देखिए, अपना कॉन्फिडेंस लेवल हमेशा हाई रखिए। कोई काम शुरुआत अगर कर रहे हैं तो विश्वास रखिए कि हम उसमें सक्सेसफुल होंगे, क्योंकि देखिए सबसे बड़ी चीज़ आपका विश्वास है। अगर आपको अपने ऊपर विश्वास नहीं है तो आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि दूसरे आप पर विश्वास करें। तो ठीक है, आप अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखिए। और अंत में अपनी हम 4 लाइनें आपको सुनाना चाहेंगे। रुक तो नहीं जाती ज़िंदगी सिर्फ एक हार से, झुक तो नहीं जाते पर्वत बिजलियों की टकरार से, जो हो चुका उस बात से दिल को क्यों दुखी करें, चलो नए उत्साह से कोशिश फिर नहीं करें। अब देखिए, आज की जो टॉपिक था मनी फ्रॉम सेकेंडरी सोर्स, इस पर हम लोग डिस्कस किए। अगर हमारी बातें अच्छी लगी हों तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और अगर कोई पर्सनल क्यूरी हो तो डिस्क्रिप्शन में हमारा ईमेल आईडी है, आप उससे मुझसे उस पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। तो बेस्ट विशेष आपकी मनी फ्रॉम सेकेंडरी सोर्स के लिए। मैथ स्काई के साथ पढ़ते रहिए, सीखते रहिए।